दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और मेरे YouTube चैनल इन्हें इमोशनल वीडियोज एंड इन्वायरमेंट में चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा चिंतापूर्ण। वो टॉपिक ये है कि एक्सीडेंट के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब भी मैं सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो पहली खबर यही देखता हूँ कि एक्सीडेंट। और मैक्सिमम एक्सीडेंट के दो फैक्टर हैं, पहला युवा लोग जो स्पीड से वाहन चलाते हैं और दूसरा है नशे में धुत, वो भी युवा लोग। एक्सीडेंट का मेन कारण युवा लोग, और 90% चांस युवा लोग ही हैं, जिसका मेन ओवर स्पीड और नशा। बाकी 10% जो भी कारण हो सकते हैं, बट मेन 90% है। इसलिए मैं बात आज मेरा टॉपिक यूट्यूब चैनल पे ये है कि आप दोस्तों, आपसे निवेदन है कि स्लो चले, धीरे चले और सेफ्टी घर पहुँचे। दोस्तों, हो सके आप खुद को आपकी परवाह नहीं है, बट घर वालों के लिए ज़रूर धीरे चले। आपके मम्मी पापा के लिए आप 2 मिनट सोच के देखिए दोस्तों, 2 मिनट अपने मम्मी पापा के लिए आप धीरे चले। एक 25 साल का नौजवान युवा जब घर वाले खोते हैं तो कितना दुख होता है। जब मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, मेरे को भी दुख होता है, तो मैं समझ सकता हूँ उस घर वालों पर क्या बीती। और 2017 के ताज़े आंकड़े के अनुसार पिछले साल से इस बार 12% ज़्यादा एक्सीडेंट बढ़ा है, और उसमें सबसे ज़्यादा मरने वाले लोग हैं 20 से 35 साल के युवा लोग। ये एक दुख भरी घटना है दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप धीरे चलें, सेफ्टी चले। और हाँ दोस्तों, आप जो भी लोग बाइक यूज़ करते हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हेलमेट का ज़रूर उपयोग करें। अगर आप हेलमेट का उपयोग करते हैं तो जो बाइक एक्सीडेंट होते हैं उसमें 90% चांस होते हैं कि आप 90% चांस होते हैं कि आप कोई रिस्क नहीं होगा। हो सकता है एक्सीडेंट में कोई कारण से हाथ पैर टूट सकता है, पर मौत होने के चांस ओनली फॉर 10% है। और जो लोग हेलमेट नहीं यूज़ करते हैं वो 90% मरते हैं बिना हेलमेट यूज़ करने वाले। तो आपसे निवेदन है, जब भी बाइक पे आप यात्रा करें, हेलमेट पहन के यात्रा करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।